आपके साथ सरगम पंत और आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश गुरु मंत्र में। और आज हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जी रिवशी जी। गुरुदेव आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंत और आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश गुरु मंत्र में। और आज हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जी रिवशी जी। गुरुदेव आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम। दाता खुशियां दे, सुख बख्शे। शायद आप लोगों को मालूम ना हो, लेकिन हर इंसान की कुंडली में बुध का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। वो उसके जीवन में काफी ज्यादा असर डालता है। लेकिन परेशान मत होइए, गुरुदेव से आज इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पर इसके साथ और कौन से अन्य विषय होंगे ये भी आपको बता देते हैं। बुध ग्रह का आपकी बुद्धि से क्या कनेक्शन होता है? सेहत और सुंदरता बढ़ाने वाले बुध के अचूक उपाय जानेंगे। कुंडली में बुध की महादशा के प्रभाव और उपाय की बात करेंगे। आज हम बुध के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल इसी से संबंधित कि हमारी बुद्धि का बुध से क्या कनेक्शन होता है? माँ सर्वेशु बोलो या बुध बोलो, बात एक ही है। और बुध को लाल किताब के अंदर भी शक्तिमान बोला जाता है, सर्वशक्तिमान बोल दीजिए। कारण क्या है कि जिस इंसान की बुद्धि काम की, उसके मंगल, शनि, बृहस्पति, सूर्य सब काम के, यानी कि उसकी अकल भी, ज्ञान भी, उसका कर्म भी, सब काम आएगा। लेकिन अगर किसी की बुद्धि ही नहीं काम की या उसके अंदर कोई दिक्कतें आ गई और अपनी बुद्धि ने खुद को ही धोखा दे दिया, तो फिर ये रगों के अंदर बहरा खून किस काम का? कर्म कोई हो नहीं सकता, प्लानिंग कोई बना नहीं सकते, जीवन को चला नहीं सकते। और जब इस तरह के हों तो हमारे लिए दुनिया के फिर सुख कौन सा बचा? क्योंकि कोई भी इंसान तब तक ही खुश नसीब है जब तक वो अपनी बुद्धि से अपने लिए धनोपार्जन, अपने लिए सुख उपार्जन करता है, अपने लिए गृहस्थी के सुख बनाता है। और जब ये बुद्ध साथ ना हो और बुद्धि खराबी पे आ जाए तो ये सारे सुख अपने पास से गए। बुद्ध धरती के ऊपर सच में बेटा ये शक्तिमान है, क्योंकि जितने भी हमारे यहां जंगल है, पेड़ पौधे हैं, घास है, ये सब बुद्ध के दायरे में ही आते हैं। हमें जितने अनाज फल मिलते हैं, समझे, जितने भी वेजिटेबल्स मिलते हैं, सब बुद्ध के दायरे में आते हैं। और इवन इस धरती के ऊपर जो भी जीव उत्पन्न होता है, वो जीव को उत्पन्न करने की ताकत, वो झिल्ली बेटा वो बुध है। और हर वनस्पति को उत्पन्न करने का, घास को उत्पन्न करने के जो बीज है, वो सब बुध है। तो देखो ना, बुध का साम्राज्य कहां तक का है। और इसी एक बुध को जांचना जन्म कुंडली के अंदर सबसे बड़ा काम है। और लाल किताब साफ तौर पे कहती है कि अगर बुध अच्छा तो सब अच्छे, बुध खराब तो सब खराब, समझे। इसीलिए बुध को शक्तिमान नाम दिया गया है। अब जब ये इतनी बड़ी शक्ति है तो इसीलिए मैंने साथ में जोड़ा कि मां सर्वेश्वरी, वो मां सर्वेश्वरी जिसके हृदय पे भोलेनाथ वास करते हैं और जिनके लिए अपने विष्णु जी और ब्रह्मा जी भी काम करते हैं और सारे देवी देवता इनके अधूरे और सबने अपनी ताकतें इसी को दे रखी। तो बात समझ नहीं आती क्या? पूरी समझ आती है कि धरती पे जो चीजें भी उत्पन्न होनी है उन्हीं चीजों से तो आगे कुछ चीजों का निर्माण होने हैं। धरती पे जो उपजेगा वही तो इंसान और जानवर खाएंगे, और धरती पे जो उपजेगा उसी से आदमी अपने सुख, अनाज, धन सब इकट्ठा करता है, ठीक है ना। तो बेटा इसीलिए बुध को सर्वशक्तिमान कहना कुछ गलत नहीं होता। इसको नपुंसक ग्रह भी कहा जाता है। नपुंसक ग्रह कैसे कहा जाता है कि इसके बुध की अपनी जो ताकत है वो तो होती है, लेकिन ये जिसके साथ मिलता है ये उसी के जैसी ताकत बन जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे
कि एक पेड़ पौधे से दूसरे पेड़ पौधे के एक तरह का निर्माण किया गया। पहले गन्ने किस प्रकार के उगते थे, अब गन्ने किस प्रकार के उगते हैं, ये सारी चीजें, और क्या इनकी भी ब्रीड विकसित की जाती है, समझे, वनस्पतियों की भी। तो वो आसान है वैज्ञानिकों के लिए, क्योंकि ये बुद्ध का क्रम है, उसके साथ में किसी और चीज को जोड़कर कुछ नई चीज बना दो। ये बुद्ध में ही ये ताकत है कि इन्होंने कई नस्लें जीवों की खत्म कर दी और कई बना दी। ये बुद्ध की ही ताकत है, समझे। अब बुद्ध हमारे शरीर में नसों का कारक है, स्किन का भी ये बहुत हद तक कारक बनता है, ठीक है, और हमारे दांत है, जबड़े है, जिवा है, वाणी है, इन सबका बुद्ध ही कारक है। धरती पर संगीत, उसका कारक भी बुद्ध ही है, समझिए। अब ये बुद्ध से ही इंसान में कलाकारी आती है। जितने भी ये एक्टर हैं, ये सब बुद्ध हैं। जितने गायक हैं, उनका बुद्ध अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है साथ में, तो वो गायक हैं, ठीक है। और इसीलिए बुद्ध यानी कि क्रिएटर, कुछ भी नई क्रिएटिविटी रखने वाला, नई एक्टिंग करने वाला, समझिए। और भाव प्रदर्शन जितना है, जितने भी सेंसेस होती हैं, चाहे सुनने की और चाहे महसूस करने की, सब बुद्ध देता है। अगर बुद्ध खराब हो जाए, आदमी की सुनने की शक्ति वो खराब हो जाती है, ज्यादा खराब हो जाए, इंसान की स्वाद की शक्ति भी खराब हो जाती है। बहुत सारे दुनिया में लोग ऐसे हैं कि वो खाना तो रोज खाते हैं, लेकिन वो मिर्ची खाएं या मीठा, उनको कोई स्वाद नहीं आता, समझे। ये जो बीमारी होती है, ये भी बुद्ध की खराबी की वजह से होती है। कई लोग ऐसे हैं कि कहीं से गुजर जाएं, कुछ भी होता हो, उन्हें खुशबू ही नहीं आती, बस वो ऑक्सीजन ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो बात एक अलग है, लेकिन उनको कोई खुशबू ही नहीं आती। ये बुद्ध की खास तौर पे खराबी, और ऐसे लोग जीवन में तरक्की नहीं कर पाते रहते, समझे। हाँ, पर्टिकुलर बुद्ध के खराब का कोई काम हो, उसमें बथेरा कुछ हो जाता है, उनको उसमें पैसा अच्छा मिलता है। बुद्धि ही सही व्यापार करवाती है, बुद्धि ही खराब वाला व्यापार करवाती है। बहुत सारे दुनिया के अंदर काम ऐसे हैं जो दुनिया से छुपके किए जाते हैं, सरकार से छुपके किए जाते हैं, बेटा ये बुद्ध खराब वाले करते हैं। और जितने भी टैक्स पे करके दुनियादारी के अंदर सबके सामने अपने आप को रोशन करके अपने व्यापार को बढ़ाया जाता है, वो बुद्ध बढ़ाता है, समझिए। और बुद्ध अच्छा हो तो इंसान हर काम सोच समझ के, प्लानिंग बना के और समझदारी से करने वाला होता है। और ऐसे लोगों के घर के अंदर बहन बेटियां भी बहुत सुखी रहती हैं, समझिए। लेकिन बुद्ध अगर खराब हो जाए तो ये व्यापार भी नहीं करने देता, और जब भी व्यापार किया जाए घाटा, जब भी व्यापार किया जाए बदलने का चांस, जब भी व्यापार किया जाए कुछ सालों के बाद ही कुछ ना कुछ तब्दीली हालात बन जाती है, समझिए। ये बुद्ध खराब की निशानी। और इन्हीं लोगों को स्किन के ऊपर भी दिक्कत आती है, ये सूंघने से संबंधित, स्वाद से संबंधित, पेट की नसों से संबंधित। कई लोगों को नसें चढ़ने की दिक्कत आती है, वो होती है, कईयों की नसें फूल जाती हैं, ये वाली प्रॉब्लम होती है, जिनके मसल्स नहीं टिक पाते, मसल्स जिनके बहुत जल्दी खत्म होते चले जाते हैं, ये सारी की सारी खराबियां बुद्ध की खराबी होती है। और बुद्ध अगर खराबी के ऊपर है, ऐसे इंसान को एक सिर्फ सिंपल साफ सी नौकरी, जो रोजमर्रा का उसका काम है और वही करता रहे तो वही कर सकता है। नए नए कामों के अंदर जाना, प्रोफेशन को अपनाना, उसके लिए रोज नई सोच बनाना, नई मॉडर्न सोच को एक्सेप्ट करना, ये सब कुछ उसके लिए बेकार हो जाता है। तो देखिए बुद्ध कितना बड़ा है, ठीक है। और आपने ये भी देखा होगा कि जो दुनिया के अंदर ज्यादा पसंद किए गए जो रंग है, उनके अंदर बुद्ध की भी बहुत बड़ी भूमिका है, ठीक है। लाल भी उसी में आता, पीला भी उसी में, तो ये तीनों मिलके ही तो जीवन चलाते हैं। लाल खून, पीला ऑक्सीजन, समझे, हरा धरती के ऊपर वनस्पतियां और कोई भी उपजने वाला बीज, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो या वनस्पति हो, इनमें से किसी का भी, ये बुद्ध ही होता है। अब ये बुद्ध, इसे कहते हैं बिन पैदे का लोका, यानी कि ये खराब, पहले अच्छा चल रहा चलने दो, लेकिन जब ये खराबी पे आता है तो एकदम हालात को पलट के रख देता है। बहुत सारी दुनिया को आपने देखा होगा कि वो राइज करती है, जिंदगी के अंदर बहुत अच्छा कमाते हैं, सुख इकट्ठे करते हैं, लेकिन रातों रात बर्बाद हो जाते हैं, ये बुद्ध की खराबी के कारण ही होता है। बहुत सारी दुनिया ऐसी है कि मेहनत करती है, बहुत कुछ कमाती है, लेकिन कमाने के बाद में
तनख्वाहें बांटने के बाद, अपने खर्चे निकालने के बाद, जब वो आदमी अपने पल्ले कुछ देखता है तो उसको कुछ मिलता ही नहीं। ये किसकी खराबी है? ये भी बुद्ध की ही खराबी है। और बुद्ध ऐसे ऐसे डिसीजन करवा देता है, ऐसे ऐसे खर्चे करवा देता है कि जिसमें से आदमी निकल ही नहीं पाता। ये भी कारण बुद्ध का ही है। और जो सबसे बड़ी चीज धरती पर मानी जाती है रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए, यानी कि कर्जा, ये भी बुद्ध की खराबी के कारण भी होता है, समझे। और ऐसी अवस्था के अंदर बेटा बुद्ध को अच्छा करना बेइंतहा जरूरी है। और जो भी इंसान या जिसके कुंबे के अंदर पहले लालचवश अपनी बहन बेटी को तंग किया गया, उसे दुख दिया गया और उनका हक छीना गया, या किसी भी तरह से उनसे किसी भी तरह की चाहत रखने के कारण उनको तकलीफें दी गई, समझे, उन लोगों का बुद्ध खराब होना तय है। क्योंकि बुद्ध के भी दो स्वभाव हैं। बुद्ध के स्वभाव दो कैसे हैं बेटा? जो लालच वाला स्वभाव है वो राहु का स्वभाव है, जो सात्विकता वाला स्वभाव है वो बृहस्पति का स्वभाव है। क्योंकि बृहस्पति और राहु मिलकर के ही बुद्ध बना। जो भी इंसान सात्विक, त्याग करने वाला और अच्छी सोच समझ रखने वाला, किसी को नुकसान ना देने वाला, उसका बुध बृहस्पति जैसा, यानी कि ज्ञान और लाभ दोनों देता है। और जो भी इंसान लालची, हठधर्मी और किसी भी चीज के अंदर बस उसको जल्दी चाहिए और अड़ियल रवैया, बेटा उसका बुध खराब। सिंपल सी बात, समझिए। अब ऐसी अवस्था के अंदर अगर बुध खराब हो जाए, नसें खराब होती हैं, नसों में दिक्कत आती है, आगे के तीन दांत टूट जाते हैं, होंठ में कोई ना कोई दिक्कत आती है, जबड़े मसूड़े में कोई ना कोई दिक्कत आती है, दांतों के अंदर आपको बार बार फिलिंग करवानी पड़ती है, दांत किसी न किसी रूप से खराब रहते हैं, बदबू आती है मुंह से मसूड़ों की, ये सारी प्रॉब्लमें बुध ही तो देते हैं, समझे। और जिनके भी ये प्रॉब्लमें मिले, आंख बंद करके समझ जाइए इनका बुध खराब है, समझे। और खासतौर पर दांतों की समस्या, ये तो खास तौर से जुड़ी ही बुध के साथ होती है, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं, कई लोगों को वो शरीर के अंदर गिल्ट जैसी बन जाती हैं, समझ गए, और बड़े बड़े एक अंदर ही अंदर स्किन के अंदर वो रोड़े से बन जाते हैं बेटा, ये सब बुध की खराबी के कारण ही होता है, समझ गए। और ये बीमारियों का कारक बन जाता है, बुद्धि से काम करने वाले जो होते हैं उनको पूरा नहीं होने देता। यही यहां पर जिंदगी के अंदर किसी काम को पूरी तरह से ना करके आम जिंदगी चलाने में भी ये बाधाएं देता है। आपने देखा होगा किसी किसी घर में कोई ना कोई एक ऐसा जीव होता है, यानी कि वो बहन हो सकती है, भाई हो सकता है, बाप हो सकता है, मां हो सकती है, कुछ भी, कि जिसका काम है सिर्फ सिर्फ बोलना, सब में कमियां निकालना, रोज सबसे नाराज भी होना, समझे। और लेकिन जब उनके साथ आम आदमी बात करता है तो देखने में वो इतना परोपकारी, इतना अच्छा, इतना ज्ञान वाला और दूर दूर की बात करता है वाला लगता है, लेकिन जिनके साथ रोज डीलिंग होनी है उनके साथ जब करता है तो सिर्फ कमियां निकालता है। ये बुद्ध की बहुत बड़ी खराबी है। बुद्ध को अगर अच्छा कर लिया जाए बेटा तो घर में बहन बेटियों के जीवन सवर जाता है, बिजनेस बहुत अच्छा होता है, अपना जीवन के अंदर ये जो नसों से संबंधित, दांतों मसूड़ों से संबंधित दिक्कत बिल्कुल नहीं आती। लेकिन बुध को अगर खराब कर लिया जाए तो घर की बहन बुआ बेटी का सुखी रहना भी दुर्भर हो जाता है। ये सारी समस्याएं जो मैंने बताई ये होती हैं। और आदमी छुप छुप के ऐसे कर्म कर जाता है कि लोग बाद में उसको कहते हैं, क्या तू यार पागल था क्या, तेरे को इतनी सी बात समझ नहीं आई क्या। बुध जब खराब हो जाए, ये जितने पागल खाने, जेल खाने, वीरानों के अंदर भटकना बेटा, ये सब कुछ कर पाता है, समझे। पागल खाना तो बन ही गया, चलो बुद्धि के ऊपर चला गया, लेकिन जेल खाने में जो नसीब होता है वो बुद्ध की खराबी के कारण ही नसीब होता है। और जो लोग घर छोड़ के निकल जाते हैं और अकेले ही जीवन जीने की कोशिश करने लगते हैं, उनका भी बुद्ध ही खराब होता है, समझे। उनको आप इतना अच्छा नहीं मान सकते। उनमें से बहुत कम लोग हैं जो किसी खास मकसद के लिए घर से निकलते हैं, लेकिन ज्यादातर सिर्फ अपना आराम का जीवन व्यापन करना और मांग के ही खा लेना और कोई काम ना करना पड़े, इस वजह से निकलते हैं। ये सारी खराबियां बुध की दी हुई खराबी। और जन्म कुंडली के अंदर किसी भी घर में बैठा हुआ ये बुध हो और
तीसरे और बारहवें घर में उसकी राशि आ जाए तो बेटा ये जो कुंडली बनती उसके अंदर अब बहुत ही खराबी के तौर पे लेके जाए, समझिए। और जिसका बुध ही जन्म कुंडली के बारहवें घर के अंदर बैठ जाए बेटा, वो इंसान बार बार जीवन के अंदर गिरता है। उसकी कितनी कोशिशें वो नहीं कामयाब हो पाती, उस आदमी की बुद्धि ही थोड़ी अलग टाइप की होती है। जितनी वहम की बीमारियां होती हैं कि मेरे कपड़े के साथ कपड़ा टच कर दिया तो ये खराब हो गया, मैं इस गली से नहीं निकलूंगा, गिरता है। उसकी कितनी कोशिशें वो नहीं कामयाब हो पाती, उस आदमी की बुद्धि ही थोड़ी अलग टाइप की होती है। जितनी वहम की बीमारियां होती हैं कि मेरे कपड़े के साथ कपड़ा टच कर दिया तो ये खराब हो गया, मैं इस गली से नहीं निकलूंगा, हाथ धोते तो हाथ ही धोते रह जाते हैं, समझिए, कई कई घंटे निकलते नहीं है वॉशरूम से। कई लोगों को बड़े अजीब अजीब से और भी वहम होते हैं कि नहीं, मैं उसके पास गया तो मेरे को उसको जो बीमारी है वो मुझे लग गई, वो मेरे को फलाना मेरे को बीमारी बता के गया था, अब तो ये मेरी होनी बहुत जरूरी है। ये जितनी मुसीबतें हैं सारी की सारी तो बुद्ध की दी हुई मुसीबतें हैं ये, क्योंकि हमारी बुद्धि अगर बुद्धि में ही कैद होकर रह गई तो वो इंसान किसी काम का नहीं बचता। जिसकी बुद्धि खिलके प्रकाश में सबको जीवन देने का काम करती है, सोचने समझने का, दूसरों के भलाई के लिए भी जुड़ती है और अपनी भलाई के लिए भी जुड़ती है, उनके लिए सब कुछ होता है, समझे ना। तो इस बुद्ध को अच्छा रखना बहुत जरूरी है बेटा। इसीलिए जो आज ये बातें मैं बताने जा रहा हूं, इसके उपाय बताऊंगा, इसकी जो चीजें बताऊंगा, इसके रहने की जो जगह बताऊंगा, इनका खास ख्याल रखना बेटा। तो वो कैसे होगा? आजकल ज्यादातर लोगों की जरूरत धन है, तो यहां से शुरू करते हैं। अगर बुध खराब हो तो इंसान या खराबी पे आ जाए किसी भी दशा अंतर्दशा में, तो आदमी क्या करता है, जहां पर पहले पैसे रखता है उस झोंके को खाली करता और रखने की जगह को खाली करके उसे खाली छोड़ देता है और वहां से बुरापन शुरू हो जाता है। इसीलिए जहां कहीं आप पहले पैसे रखते रहे हैं उसका भरा होना बहुत जरूरी है। अगर आप वहां पर पैसे नहीं रखते तो बादाम छुआरे रख लीजिए, ठीक है, शनि मंगल को वहां स्थापित कर दीजिए, बुध उनके साथ जुड़ जाएगा। बुध जिनका खराब हो, जिनके बिजनेस बार बार फेल होते हैं, जिनकी बहन बेटा बेटी को दिक्कत आती है, जिनके यहां पर उनका हर काम करते करते में ही उल्टा पड़ जाता है, और जिनको भ्रम की बीमारी है, उनके घर पे शंख सीप कौड़िये ढोलकी तबला सितार गिटार मनी प्लांट रबड़ प्लांट तुलसी, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तुलसी बुध ग्रह की पक्की एक तरह का ये औषधि है और ये वाकई में अमृत में भी मानी गई है। लेकिन बुध का काम क्या है, ये जब दूसरी चीजों के साथ जुड़ता है तो ये खराब हो तो खराबी को बढ़ाता है, ये अच्छा हो तो अच्छाई को बढ़ाता है। अगर बुध खराब हो, जो मैंने सिम्टम्स पीछे बताए बेटा, इनमें से कोई उन घरों में मनी प्लांट रबड़ प्लांट तुलसी लगाना जहर की तरह काम देता है। उन लोगों को अगर फिर भी तुलसी मैया को पूजना है तो वो मंदिर में रखी हुई जो तुलसी होती है वहां पर जाकर के जल चढ़ा सकते हैं। हर वक्त उनके घर के अंदर इसकी एनर्जी आना इन खराबियों को और बढ़ाएगा। मनी प्लांट के लिए तो आम ही कहा जाता है कि मनी प्लांट लगाओगे जितना ऊंचा जाएगा उतना धन आएगा, ये बात सत्य है। लेकिन ये उनके लिए जिनका बुध अच्छा है, जिनका बुध ही बुरा है बेटा, उनका मनी प्लांट घर का जितना ऊंचा होगा उनकी दुर्बुद्धि उतनी या उनका दुर्भाग्य उतना ही ऊंचा होगा। इसीलिए जिनका ये खराब हो, जिनके बार बार बिजनेस फेल होते हो, जिनके पेट की समस्याएं नसों की समस्याएं होती हो, जिनको ये सूंघने की ताकत कम हो, स्वाद की ताकत कम हो, मसूड़ों में बदबू आती हो, दांतों के अंदर दिखते हो, उनको भूल के भी रबड़ प्लांट मनी प्लांट तुलसी अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। और ये जिनको ये तकलीफें हो उनको ऊंची आवाज में म्यूजिक सुनना म्यूजिक बजाना मना होता है। कारण ये कि दिमाग के अंदर तरंगे काम करती हैं, बड़ी महीन महीन सी नसें होती हैं, बहुत तरह का ये ऊर्जा निकालती है, जब भी म्यूजिक के साथ मिक्स होती है तो वो डिसबैलेंस ही हो जाती है और आने वाले दिन खराब कर डालते हैं। इसलिए इन लोगों को कभी भी ऊंची आवाज में म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखें। और बुध अगर खराबी पे आ जाए तो बेटा इसका सबसे उत्तम उपाय जो लाल किताब में बताया गया है वो एक ही है और वो है कन्या पूजा। कन्याओं को बेटा कुछ ना कुछ खाने को देना, पांव हाथ लगा के पूरे श्रद्धा पूर्वक उनसे आशीर्वाद लेना, ये जितना ज्यादा करोगे बुध अच्छा होगा। किन्नरों को
कपड़ों का दान देना, पैसे का दान देना, खाने पीने की वस्तुओं का दान देना, ये अपने आप, और लेकिन उनसे आशीर्वाद भी लेना बेटा, ये अपने आप अच्छा करता चला जाएगा बुध को। और जो मैंने निकालने के लिए सामान कहा है वो घर से निकला होना चाहिए। मैं एक बार फिर बताता हूँ, शंख, सीप, कौड़ियां, ढोलकी, तबला, सितार, गिटार, मनी प्लांट, टबड़ प्लांट, तुलसी, इनमें से कोई चीज घर में ना हो। फिर घर के अंदर कभी भी कैक्टस का पौधा, एक वो पत्थर चट टाइप होता है जो बड़े हार्ड से लगते हैं लेकिन बहुत सॉफ्ट होते हैं टूटने में, समझे, या जिनमें से भी तोड़ने के बाद उनमें से दूध निकलता है, इस तरह के जितने भी पेड़ पौधे हों बेटा वो घर में नहीं लगाने चाहिए इन लोगों को। और साथ ही इसके जो भी आपके खाली बर्तन रखने की जगह है, जहां बड़े बड़े खाली बर्तन रखे जाते हैं वहां बुध की ऊर्जा ही उत्पन्न होती है। खास तौर पे गागरे, घड़े, ये कभी घर पे खाली नहीं रखने चाहिए। घर की छत के ऊपर अगर खाली मटके रख दिए तो बुध 12 में स्थापित होकर के काम काज और गृहस्थियों के हालात खराब कर देता है बेटा, इसलिए घर की छत के ऊपर भूल के भी खाली मटके कभी नहीं रखने चाहिए। जो किचन के अंदर भी जो आपकी गागरे हो, मटके हो, या तो उनमें पानी भरिए, अगर पानी नहीं भरना उनमें चावल, गेहूं, गुड़ या बादाम कुछ भी भर के उनके अंदर रखिए, उन्हें खाली मत रखिए, समझे। अगर ये खाली रखोगे तो बुध की तो हर जगह जगह है बेटा, वहीं से वो खराबी शुरू कर दिया तो ये काबू में नहीं आता बेटा, इसलिए इन चीजों का खास ख्याल रखें। जिनको मान लो ये बीमारियां आई चुकी और ये मामले खराब हो ही चुके, उन लोगों को क्या करना चाहिए, उन लोगों को सबसे पहला उपाय करना चाहिए 101 पत्ते ढाक के, समझे, जिसकी ये बीड़ी बनती है, पत्तल बनते हैं, समझे, ये हरे पत्ते लेने, 101 पत्ते ढाक के लेके उनको दूध के साथ धोके जल प्रवाह कर दो, समझे। और हर रोज मूंग साबुत को अपने सिराने भिगो करके रखो और सुबह उठ करके पक्षियों को डालो बेटा, इतना सा उपाय करके देखो, दाता जरूर सुख देगा और इन मुसीबतों से निजात दिलाएगा। आगे बढ़े, हमारे साथ लाइव वीडियो कॉलर रिश्मा जुड़ी हुई है। रिश्मा, इससे पहले आप सवाल पूछे गुरुदेव से, आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान बता दीजिए और फिर अपना सवाल पूछ लीजिए। नमस्कार गुरु जी, मेरा नाम रिश्मा महाजन है, मैं अमृतसर से हूँ। 10 अगस्त 1984 सुबह 5 बजे अमृतसर का ही मेरा जन्म है। मेरी मैरिड लाइफ कुछ ठीक नहीं चल रही है, डिवोर्स होता होता रह गया, क्या मुझे डिवोर्स लेना चाहिए? और मेरा करियर ग्राफ भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, जॉब लगती है फिर छोड़ जाती है, क्या मुझे बिजनेस के लिए ऑप्ट करना चाहिए? रिश्मा राजी, एक तो तुम्हारा लग्न में बैठा हुआ सूर्य सोया हुआ शादी के बाद जाग जाता है, ये मैं बात मानता हूँ, लेकिन ये है तो अकेला ही, तो ये डेली इनकम ऑफ सोर्स के घर को देखता हुआ बार बार अस्थिरता पैदा करता है, इसी को कहते हैं जॉब छूटना। दूसरा, तुम्हारी मैरिड लाइफ को बेशक वहां शनि की राशि है, सब कुछ है, लेकिन उसको जो ड्राइव कर रहा है वो है बृहस्पति, और बृहस्पति स्वयं 5वें घर के अंदर बैठे हुए और उनकी एक राशि वो 6ठे घर में बैठे हुए, 6ठा घर 7वें घर का दुश्मन, तो जिसमें मियां बीबी की नहीं बन पाती, बार बार नौकरी बदलने के, काम बदलने के योग बनते हैं, और यही नहीं ये पहले बच्चे के सुख से संबंधित भी कोई ना कोई बड़ी दिक्कत देता है, समझे, या पेट में ही बच्चे को खराब करवाता है ये जी। दूसरा एक और लोग मंगल शनि 4थे घर के, इनका भी काम यही है कि इंसान को और उसकी मां को दुखी ही रखता है, और जो अपनी रिश्तेदारी के सुख होते हैं उनको भी किसी न किसी रूप में खराब करता चला जाता है। ये तो शुक्र है कि तुम्हारा बुध और शुक्र इतनी अच्छी अवस्था के अंदर बैठा हुआ है कि जो कहते हैं कि अकेले को कर्मवीर बना करके अपनी जिंदगी चलाने के लिए, अपने हालात से निपटने के लिए, कर्म के लिए वाक्पटुता, धैर्य, बुद्धि सब कुछ बहुत अच्छी देता है। सिर्फ इस एक की वजह से बेटा तुम्हारे लिए जीवन को चलाना फिर भी आसान रहेगा, लेकिन जो योग मैंने कहा है ये मंगल शनि और बृहस्पति केतु का अगर तुमने उपाय नहीं किया तो ये तुम्हारे लिए वाकई में बहुत दुखदायी है, और ये गृहस्थी के सुख, जमा पूंजी, काम के सुख, इन सब के लिए खराब नहीं देगा। और उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले बेटा 43 दिन लगातार 4 पीले नींबू बिना दाग के लेकर के मंदिर में दे दो, और उसके बाद अपना नियम बना लो कि हर बृहस्पतिवार को 4 पीले नींबू तुम मंदिर में रख के आओगे। जिस दिन ये उपाय हो गए इसके बाद में पति के साथ कभी भी
तुम्हारे हालात खराब नहीं होंगे, उसके साथ बहुत अच्छे रहेंगे। दूसरी बात, ये मंगल शनि जो नहीं सुख देगा, इसके अंदर कहते या तो खेती की जमीन अपने पास हो तब ये सुख देंगे, कहते या घोड़ी पालो वो बच्चा देगी तब सुख होगा, लेकिन शहरों के अंदर ये दोनों ही चीजें कई बार संभव नहीं हो पाती। तो ऐसे में जो घोड़ी भी आएगी, अभी जिसने बच्चा दिया बेटा, उसका दूध अगर लेकर के बोतल में बंद करके अपने घर पे रखो और सदा ही गले के अंदर पीला धागा या सोने की चेन होनी चाहिए, चांदी का एक चकोर टुकड़ा तुम्हारी जेब में होना चाहिए और तुम भी दूध और पानी का दान कभी नहीं कर सकते। अगर तुम चाहती हो कि नौकरी सदा अच्छी और बहुत बढ़िया चले तो उल्टा तुम्हें शमशान घाट में प्याऊ लगवाना चाहिए। शमशान घाट में प्याऊ लगवाने के बाद तुम्हारी नौकरी स्थिर होगी और जब तक ये पीले नींबू देती रहोगी, चाहे तुम्हारी डेली इनकम है चाहे पति के सुख, दोनों ही तुम्हें बहुत ही उत्तम फल देंगे, खुश रहना सुख। गुरुदेव, अभी मैं आपका जो सवाल का आपने जवाब दिया वो सुन रही थी। जैसे आपने कहा कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि बुध की खराबी के वजह से घर की बेटियों पे मुसीबत आती है, जैसे पहले बुआ दुख पाती है उसके बाद बेटी, इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा लगता है कि जो घर की बेटी है महिला है उस पर ही मुसीबतें आती है, तो उसका क्या बुध से कुछ रिश्ता होता है? हाँ बेटा, जो घर में औरतें होती हैं वो किसी न किसी की बेटी होती है, कोई बहू के रूप में आती है, ये अपने घर की बेटियां होती हैं। लेकिन जब ये बुध होता है, बुध इसका अगर पितृ श्राप लग जाए तो ये घर की बेटियों को कभी सुखी नहीं रहने देता, कभी भी नहीं। उसका कारण ये है बेटा कि बुध का श्राप तभी लगता है जो लालच वश वाक्य में बेटियों को दुखी किया गया हो, समझे, किसी के बीज को खराब किया गया हो इस तरह की बात, और उसका श्राप जो लगा होता है वो घर की बहन बुआ बेटी को तकलीफ देता है, ठीक है। ऐसी अवस्था के अंदर सिर्फ इतना ही नहीं, इंसान बुरे कर्म करके तो जीवन के अंदर तरक्की पा रहता है, सही काम करके जीवन में तरक्की भी नहीं पा पाता है, ये भी बुध की खराबी होती है, समझे। और इनके घरों की खास तौर पर बहन बुआ बेटियों को बहुत तकलीफ झेलने को मिलती है। ऐसे हमारे पास बहुत परिवार आते हैं जो आकर के स्पेशली कहते हैं कि हम तो अपने घर की लड़कियों के दुखों से ही परेशान हैं, किसी को जीवन साथी से संबंधित दिक्कत आती है, किसी को शरीर से संबंधित बहुत ज्यादा दिक्कत चलती है, और कई लोग का स्वभाव ही ऐसा होता है कि उनको तकलीफ मिलती है, या फिर पहले बुआ को बाद में भतीजी को पोती को, इनको उनके ससुराल वाले ही बहुत दुखी करते हैं और सारी दुखी रही होती है, यानी कि कुदरत ने दुख देने का बहाना ढूंढना है, किसी भी रूप में घर की बेटियां दुखी रहती हैं, अपने घर पे राज नहीं कर पाती। और ये जिनकी जन्म कुंडलियों के अंदर दिक्कत हो, कहने का मतलब उनके घर के अंदर ये शाप लग चुका हो, समझे, तो एक कौड़ियां जलाकर के सारी रात उनको जल प्रवाह करने का उपाय तो लाल किताब बताती है, लेकिन इसके अंदर अगर देसी घी का हलवा बना करके 100 कन्याओं में बांटा जाए, समझे, जो छोटी छोटी बच्ची होती है उनको बांटा जाए, और ये 3 साल तक साल में एक बार अगर ये कम से कम किया जाए, तब जाकर के बेटियों को ये सुकून वाले हालात मिलने शुरू होते हैं। और ऐसे लोग कन्या पूजन से कभी परहेज ना करें, वो तो करते ही रहें, इसके साथ ही जितने भी इसके दान हैं बुध के वो करने बहुत जरूरी, जैसे हरे रंग के कपड़े लेकर के किन्नरों को देना, ठीक है, समय समय के ऊपर ये पालक वगैरह का दान करना, यानी कि गौ को खिला देना, ठीक है, मूंग साबुत सराहने भिगो करके रखना, उनको पक्षियों को डालना, और अंडे कभी ना खाना, क्योंकि अंडा बुध की पक्की वस्तु है। अगर ऐसे घरों के अंदर अंडों का प्रयोग होगा तो आप चाहे लाख उपाय कर लीजिए, उसके बावजूद भी ये बुध वहीं पे बसा रहेगा और मामला खराब रहेगा, और घर में मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी बिल्कुल नहीं रखना। इन उपायों को करके देखिए, परमात्मा ने चाहा घर की बेटियां सुखी रहे। तो चलिए से पहले आगे बढ़े, हमारे साथ एक लाइव कॉलर जुड़ी हुई है, हमारे साथ सीमा गुप्ता जुड़ी हुई है जो अपने पुत्र के बारे में सवाल पूछना चाहती है। जी सीमा जी, इससे पहले गुरुदेव से अपना सवाल पूछे आप हमें अपने जन्म की तिथि समय स्थान बता दीजिए, फिर अपना सवाल पूछ लीजिए। मेरा नाम सीमा है, नमस्कार। मेरे बेटे का नाम पीयूष गुप्ता है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 24 मार्च 1997 और टाइम है शाम के 7:20 और प्लेस है दिल्ली।
मेरे बेटे की तबीयत 17 साल की उम्र में बहुत ज्यादा खराब हुई, उसको एक मानसिक प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से उसकी लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो गई, काम वाम सब डिस्टर्ब हो गया। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ, गुरु जी से ये जानना चाहती हूँ कि मेरे बेटे पीयूष की आगे की जो लाइफ है वो कैसी रहेगी, करियर वाइज कैसा रहेगा, क्या वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा काम कर पाएगा, या वो अपनी बीमारी से कब तक उबर पाएगा भी कि नहीं। बेटा तुमने ठीक कहा, पहली बात तो तुम्हारे पुत्र की जन्म कुंडली के अंदर जो बुध बैठे हैं सातवें घर के अंदर अकेले बैठे हैं, यही एक योग अकेले सातवें घर में बुध के बैठने से ही बेटा ये कुंडली खराब हो जाती है, जो कि जिंदगी के अंदर तरक्की ना देने की पहले कसम खा लेती है। फिर दूसरा ये नीच का बुध, मीन राशि का बुध बहुत ही खराब होता है, जो बुद्धि को ही खराब करता है, उसके अंदर बसी हुई ऑक्सीजन जो होती है उसको खराब करता है या ऑक्सीजन को पूरा जाने नहीं देता दिमाग में। तो जरूर इसके पैदा होने के वक्त में कुछ न कुछ इस तरह का वाक्य घटित हुआ होगा कि जो इसके दिमाग के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो। फिर दूसरी चीज और, सूर्य देव की दृष्टि राहु पे, सूर्य ग्रहण जो कहता ना ज्ञान देगा ना शारीरिक हालात ठीक रखेगा, दूसरी तरफ उसके साथ में बैठे चंद्र मंगल, अकेला मंगल राहु के साथ हो तो बेटा ये सुखकारी होता है, लेकिन चंद्र मंगल के साथ राहु हो तो ये बहुत बड़ा दुखकारी होता है, जिसके कारण आदमी अपनी गृहस्थी के लिए, अपनी बुद्धि के हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से, सहन शक्ति के हिसाब से, कमाई के हिसाब से, पढ़ने लिखने के हिसाब से किसी भी चीज के काबिल नहीं रहता। ऐसा इंसान अपने जीवन के अंदर कभी भी कोई काम पूरा नहीं करता, समझे, नहीं तो गृहस्थी के अंदर आए दिन कोई ना कोई पंगे बखेड़े खड़े ही रखता है। बेटा ये तीन योग मिलकर के इस बच्चे को मानसिक अवस्था को खराब किया। अब मैं ये तो नहीं तुम्हें कह सकता कि कितना का अच्छा फल आएगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि अगर ये उपाय हुए तो बेटा कुछ ना कुछ अच्छा फल तो इसे जरूर मिलेगा, और उसके लिए सबसे पहले ये मीन राशि के बुध को ठीक करना बहुत जरूरी है। इसके लिए ये बीच में से इसका नाक छेदन करवाओ 96 दिन के लिए, और उसमें सोने की या चांदी की तार डालना और 96 दिन के बाद निकाल के बाहर फेंकना, घर पर नहीं रखना उसे। दूसरा 45 दिन लगातार दूध में शहद मिलाकर के मंदिर में देना, और उसके बाद हर मंगलवार को दूध में शहद मिलाकर के मंदिर में देते चले जाना, ये दूसरा उपाय बहुत जरूरी है। तीसरा उपाय, 43 सिक्के तांबे के सारी रात कच्चे कोयले की आग में जला करके सुबह सवेरे सूर्य उदय से पहले पहले उसको जाकर के जल प्रवाह करना या किसी जंगल में गिरा के आना, ये उपाय बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद में बेटा ये दूध में शहद वाला जो उपाय है ये तो तुमने रोकना ही नहीं, कितनी देर भी तुम्हें करना पड़े, चाहे 5 साल 10 साल तक भी करो तो तब भी उत्तम है, लेकिन घर की छत के ऊपर लकड़ी लोहा नहीं बनाना चाहिए, घर के छज्जे के ऊपर टॉयलेट बाथरूम नहीं बनना चाहिए, और टूटी हुई जो चारपाई या चौखट वगैरह किसी भी सूरत में घर की छत के ऊपर ना हो, और बांस की बाड़ घर की छत के ऊपर, जब तक ये रहेगी बच्चे को कोई भी ट्रीटमेंट लग ही नहीं सकता, समझे, और अपने आप भी उसको समझ आने वाली कोई बात ही नहीं, ठीक है। अब ये उपायों का खास तौर पे ख्याल रखना और इन उपायों को करना, ये करके देखो, माता रानी चाहेगी कुछ ना कुछ अच्छा असर तो तुम्हारे बच्चे की जिंदगी में जरूर देगी, चलो विश्वास करके चलो। क्वेश्चन गुरुदेव, जैसे अभी आपने कहा कि गैस, एसिडिटी वगैरह, कुछ लोगों को इस तरीके की तकलीफें काफी आम तौर पर रहती हैं, और दवाइयां खाने के बावजूद भी उनको आराम नहीं मिल पाता, बहुत से दर्शक होंगे उनके मन में भी ये सवाल होगा, क्या इसका संबंध भी बुध ग्रह से? बिल्कुल अजय, मैंने कहा ना कि बुध जो हमारे पूरे शरीर में है, पूरे इस वातावरण में है, इस ब्रह्मांड में बुध, ये सच बात है कि जब भी मैंने कहा कि जिसके साथ ये मिलता है उसी का असर देता है, लेकिन ये गैस एसिडिटी का जो संबंध है वो सीधे का सीधा मंगल और बुध का संबंध है, और ये दोनों कोई खास मित्र नहीं है। जब ये देते मिलके कहीं किसी घर में बैठ के तो इतना देते कि बेइंतहा देते हैं, लेकिन मंगल बुध मिलकर के जब लेते हैं तो बेइंतहा लेते हैं। मंगल बुध की कहानी के लिए आपने शायद मेरे पहले के एपिसोड भी देखे होंगे बेटा, उसके अंदर मैं बताता भी हूं कि जितने लोग आवेश में आकर के किसी को नुकसान पहुंचा करके जेलों में हैं या कत्ल करके जेलों में हैं, इन सबके मंगल बुध खराब होते हैं, समझे। लेकिन तुमने गैस एसिडिटी की बात करी, जब भी मंगल बुध के घर में बैठ जाए
मंगल बुध का संबंध होकर के लग्न में बैठ जाए, मंगल बुध का दृष्टि से संबंध हो जाए, बेटा लोगों को गैस एसिडिटी कब्ज वगैरह की ये दिक्कतें आम होता है, समझे। और ये एक ऐसी बीमारी है जब ये होती है, जिनको भी गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है आप देखिए वो उनकी गृहस्थी में भी कुछ ना कुछ तनातनी आपस में मियां बीबी में लगी ही रहती है। जिनका भी ये गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है बेटा वो काम करने में अव्वल, मेहनत करने में अव्वल, वो सब कुछ तो होते हैं लेकिन लोग उनको डिच कर जाते हैं, समझे, ये वाली प्रॉब्लम भी देते हैं। और जिनको ये गैस एसिडिटी रहती है बेटा वो अगर तरक्की करते हैं तो पूरी करते हैं, डूबते हैं तो पूरे डूबते हैं। यानी कि मंगल बुध ये दोनों मिलकर के राहु को एक ऐसा निकाल के लाते हैं, और राहु का तो काम ही एक्सट्रीम है, जैसे अचानक वीक का आना, अचानक एक्सीडेंट होना, ये गोली चलना, ये सब कुछ राहु ही है, और मंगल और बुध मिलकर के इसको अलर्ट कर डालते हैं, समझे। इसलिए जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो एक्सट्रीम ही होता है, अच्छा तो वो एक्सट्रीम, बुरा तो एक्सट्रीम। तो इसको ठीक करने के लिए करना क्या चाहिए, जिन भी लोगों को गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है बेटा उनको सबसे पहले ढाक के 60 पत्ते लेकर के उनको दूध के साथ धो करके मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के लाल कपड़े से उसका मुंह बंद करके उसको वीरान जमीन में दबाना चाहिए। यानी कि पहले दूध के 60 पत्ते धो करके उनको खड्डे में रखिए, उसके ऊपर वो जो लोटा देसी खांड वाला वो रखिए और उसको बंद कर दीजिए, और खोदने वाला औजार और जिसमें दूध लेके गए बर्तन को उसको वहीं पे छोड़ना, ये आपने करना है। उसके बाद में बेटा हर मंगलवार को जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं उनको चावल और मिश्री देते रहो, दूध मिश्री देते रहो, अगर वो भी नहीं हो सकता तो कन्याओं को थोड़े से साबुत बादाम हर मंगलवार को देने शुरू कर दो, अगर उसमें भी कोई परहेज है तो कोई बकरी ढूंढ के बेटा उसे काले चने खिलाते रहो। इसको करने से बेटा बुध के साथ में जाए तो कोई बकरी ढूंढ के बेटा उसे काले चने खिलाते रहो। इसको करने से बेटा बुध के साथ में शनि का मेल करने से, बुध के साथ में चंद्रमा का मेल करने से ये मंगल की ताकत हट जाती है अलग, और उसकी वजह से ये गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम भी बंद होती है, और जीवन के अंदर जो एक्सट्रीम वाले मामले हैं वो ना होकर के नॉर्मल हो जाते हैं, जो कि आपके लिए अच्छे ही रहेंगे, कहीं से कोई बुरा फल नहीं। और मियां बीबी में जो तकलीफ होती है उसके लिए भी ये योग माना जाता है और वो भी हटेगा। और कई लोगों के यहाँ पर तो बेटी पैदा होती है लेकिन पुत्र उत्पन्न नहीं होता इस योग में, तो वो भी योग इसी से टलेगा, उसके बाद पुत्र का शुक्ति अच्छा लिखा। गुरुदेव जाते जाते हमारे दर्शकों को आज का खास गुरु मंत्र देते जाइए। तो बुध की बात हो रही है बेटा, सर्वशक्तिमान बुध की बात हो रही है जिसका इस पूरी धरती के ऊपर कब्जा है। बुध जो भी इंसान माता रानी को ध्याता है, माता रानी की शरण में जाता है, हर नया काम शुरू करने से पहले माँ दुर्गा सप्तशती का जो पाठ करता है, समझे बेटा, उसका बुध अव्वल पे अव्वल होता चला जाता है और वो जिंदगी के अंदर पीछे मुड़ के नहीं देता। बुध और केतु दोनों का एक ही घर दिया गया है जन्म कुंडली के अंदर, छठा घर। लेकिन जब केतु यहां बैठा हो तो बुध काम नहीं करता, बुध यहां बैठा हो तो केतु काम नहीं करता। बुध की किसी भी तरह की खराबी हो बेटा, समझे, अगर कामों के अंदर गिरावट हो, बात ना समझ आती हो, प्लान बनाने में दिक्कत हो, अपनी वाणी के कारण दूसरों को परेशानी हो जाती हो, या कोई भी स्मूथ हालात हमारे जीवन में नहीं चल रहे, सब कुछ उथल पुथल चल रहा है, तो यहां पर केतु के दान बुध का कल्याण करते हैं और बुध को अच्छा करके जीवन के अंदर सुख देते हैं। तो केतु के दान कौन से, महीने में एक बार काला सफेद कंबल दान दे दीजिए अपने सर से सात बार उतार के, और 43 दिन लगातार 3 केले दान दीजिए, और 43 दिन 3 केले दान देने के बाद हर बृहस्पतिवार को भी 3 केले अगर आप दान देते चले जाते हैं तो बुध अपने आप अच्छा होता चला जाता है। और जो मैंने कहा है कि बड़े बड़े जो बर्तन अपने घर पे नहीं रखने उनके अंदर कोई कुछ ना कुछ भर के रखना है, खाली मुंह ओंधे मार के नहीं रखने, घर की छत के ऊपर कोई खाली मटके वगैरह ड्रम वगैरह वो ना रखे हो, इन चीजों का खास ख्याल रखें। और बुध को और अगर आप अच्छा करना चाहते हैं और करना चाहते हैं तो सबसे उत्तम ये है कि बेटा जो बच्चे गरीब हैं, जो अपनी फीस वगैरह या किताबें वगैरह ये अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों को स्कूल की ड्रेस देना,
उन लोगों को किताबें कापिए पेन देना ये बुद्ध का सबसे उत्तम उपाय है बेटा, कि उनको देकर के एक तरह की दुआएं इकट्ठी करना और अपने बुद्ध को अच्छा करना। बुद्ध हमेशा आपको जो मिल गई दुआएं हैं उनसे अच्छा होता है, और बुद्ध उस इंसान का सबका बुरा हो जाता है जिनको बद्दुआएं मिलती हैं। और आपने वो कहावत सुनी होगी कि बद्दुआ जिसकी लग गई तो नसीब भी कहीं काम नहीं आता, समझे? इसलिए बेटा अपने जीवन के अंदर दुआएं इकट्ठी करो, बद्दुआएं मत इकट्ठी करो। और बुद्ध की खराबी का जन्म हमेशा लालच में से होता है, तो इसीलिए हर इंसान लालची है ये मैं बात मानता हूँ, लेकिन एक संयमित लालची, जितनी जरूरत उतना लालची, तो हर जगह लालच हो तो ये बुद्ध खराब हो जाता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि अपने जीवन से ये बड़े लालच को दूर रखें, और खास तौर पे लोगों की बद्दुआएं लेने वाला कोई लालच ऐसा ना अपनाएं, नहीं तो पीढ़ियों की पीढ़ियां खराब हो जाएंगी। तो बेटा इस बुद्ध को अच्छा रखिए और देसी घी का हलवा कन्याओं में बांटते रहिए। माता रानी सबको सुखी करे। गुरुदेव हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे बेटा। आपके जीवन में सुख आए, समृद्धि आए और आपका जीवन भी मंगलमय हो, हमारी तो बस यही कामना है। और इसके लिए आपको करना बस ये है कि गुरुदेव ने आज के जो एपिसोड में उपाय बताए हैं वो आप उपाय अपनी जिंदगी में ढालें, आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में सार्थक परिवर्तन जरूर आएगा। तो चलिए इसी के साथ मेरा जाने का वक्त हो गया है, लेकिन कल हम एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।